बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। ये नाजरीन, जो गुज़िश्ता रात जलसा हुआ चकवाल के अंदर इमरान खान का, वो खुद और उनके जो चाहने वाले हैं वो ये बात बार बार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान सड़कों पर क्यों नहीं निकली, तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त खामोश क्यों है। नाजरीन, तहरीके लबैक पाकिस्तान खामोश क्यों है, इस चीज का जवाब वो सुन ले कि तहरीके लबैक पाकिस्तान का कोई एमएनए नहीं है, ना कोई सेनेटर है। उन्होंने सिंध असेंबली में यह करारदाद जो है ना पास करवाई, पेश की कि यह काम गलत हो रहा है, इसको लिहाजा रोका जाए। दूसरा नाजरीन, तहरीके इंसाफ के लोगों का कहना है कि अगर होती हमारी हुकूमत, यानी अगर ये अयाज सादिक कौमी असम्बली के जो वहां पर मौजूद थे, इस वक्त राजे परवेज अशरफ हैं जो स्पीकर असम्बली हैं, लेकिन जब बिल पेश किया गया और मंजूर किया गया तो उस वक्त अयाज सादिक थे। तो नून लीग का कहना, अपना तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगर यहां पर असद कैसर होते असम्बली के स्पीकर, वजीर आजम होता इमरान खान, हुकूमत होती तहरीक इंसाफ की, और ये ट्रांसजेंडर बिल मंजूर हो जाता, ये ट्रांसजेंडर बिल पास हो जाता, तो ये तहरीके लबैक पाकिस्तान सड़कों पर होती, यानी तहरीके लबैक पाकिस्तान सड़कों पर होती, और तहरीके लबैक पाकिस्तान इस वक्त क्यों खामोश है। ये वो सब सवाल उठा रहे हैं, तो उनको जवाब है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान सड़कों पर क्यों होती है। तहरीके लबैक पाकिस्तान ने हमेशा सबसे पहले कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। जब आपने मिसाल दी कि आसिम उलूना का केस का फैसला आया तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान सड़कों पर थी, तो आप सुन लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान सड़कों पर जो आई थी, उन्होंने अपने चंद मुतालबे रखे थे। उनका सबसे पहले मुतालबा ये था कि आसिम उलूना का जो इस वक्त केस है, ये तो फैसला हो गया, लेकिन इसका जो नाम है इसको आप ECL में डाल दें ताकि ये बैरून मुल्क ना जा सके, और दूसरा आप लोग ही अपील दायर करें नजरसानी की ताकि इसको रोका जा सके, दोबारा फैसला। तो आपने फिर मुआहदे के बाद आपने उस मुआहदे को तोड़ा, खयानत की। अब आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर बिल पर तहरीक लबैक पाकिस्तान सड़कों पर आए। तहरीक लबैक पाकिस्तान हमेशा कानूनी रास्ते इख्तियार करती है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान इस बिल को, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी, और तहरीक लबैक पाकिस्तान देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अपना क्या फैसला देती है। उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान को हिकमत अमली इख्तियार करेगी और आप लोगों को जवाब भी देगी। और आप लोग देखें कि जब भी पाकिस्तान में कोई इस तरह का कानून पास हुआ, कोई वाकया रूनमा हुआ, तो पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उसकी जो नजरें होती है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर होती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन होता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान इस पर क्या करती है। जब आप लोगों का तहरीक लबैक पाकिस्तान पर इतनी एतमाद है, हर काम में आप तहरीक लबैक पाकिस्तान पर उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, जब कोई इस तरह का इश्यू होता है, चाहे आप लोगों के तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हजारों नहीं लाखों करोड़ों इख्तलाफ हो, करोड़ों, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम मुखालिफ काम होता है, जब कोई कानून बनता है, तो जितने भी मुखालिफ लोग होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जितने मुसलमान हैं, इनके तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ नजरियात इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई गैर शरी काम होता है, गैर इस्लामी काम होता है, कोई कानून बनता है, कोई हुक्मरान काम करता है, तो उन तमाम लोगों की जो नजरें होती हैं, उन तमाम लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर होती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस पर स्टैंड ले, और सब लोग देखते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस पर क्या करती है, तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ये इनकी एक्सपेक्टेशन होती है। दूसरा नाजरीन, कि ये ट्रांसजेंडर बिल की शुरुआत जो हुई ये तहरीक इंसाफ से हुई, यानी तहरीक इंसाफ की जो शीरी मिसारी थी उसको सब लोग जानते हैं कि वो ही इंसानी हकूक की जो कमेटी है उसकी चेयरमैन थी, और ये बिल सबसे पहले, यानी ये बिल सबसे पहले वही
लेकर आई थी और इस बिल को इसने कौमी असेंबली में भी पेश किया और इसको सेनेट में भी पेश किया। अब ये जो बिल है नाज़रीन, ये कौमी असेंबली में तो पास हो गया, यानी वहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, सब लोग हो गए, इन लोगों ने हिमायत कर दी और सिर्फ तीन लोगों ने। ये देखें आप कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की नेशनल असेंबली है उसके कुल अराकीन की जो तादाद है वो है 342 और 342 में से सिर्फ और सिर्फ तीन अफराद, यानी तीन मेंबर थे जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की, बाकी सब ने इसके हक में वोट कास्ट कर दिया। दूसरा नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक मजहबी जमात कहलवाते हैं, उसके चेयरमैन भी हैं, वो इस बिल की हिमायत में खड़े हो गए, यानी उन लोगों ने इस बिल की हिमायत में अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना ईमान बेच दिया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हुए। जब मुमताज कादरी को शहीद किया गया तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी हुकूमत के इत्तेहादी थे और आज भी इत्तेहादी हैं। और दूसरा नाजरीन, ये कौमी असेंबली में तो पास हो गया, अब इसको सेनेट में पेश किया जाएगा। अगर ये सेनेट से पास हो गया उसके बाद नाजरीन इसको भेजा जाएगा सदर मुमलिकत के पास। अगर सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और वो 100% कर देंगे, वो रोक ही नहीं सकते। अगर वो रोक भी लें तो फिर भी ये कानून बन जाएगा, तो उसके बाद नाजरीन ये कानून बन जाएगा और पूरे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। अभी एक स्टेप बाकी है, वो ये है कि ये सेनेट में पास ना हो, इसके लिए पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।